जो यहाँ हुआ है ना जी जी, ये खास साहब और शेख रशीद के साथ भी होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर मैं एक बात बताऊं प्लीज। इनको हमने कहा जी आपका काम है स्पीकर साहब से बात करना जी। स्पीकर साहब अपना आदमी भेजेंगे MNA के पास, राइट। वो उनसे बात करें, राइट। बात करने के बाद अगर कोई गलत आदमी है तो वो जरूर आपको देंगे, राइट। मगर ये पहली दफा तारीख में हुआ है जी कि एक रेड की गई है, और रेड की गई है लॉजिस के अंदर आके डीआईजी इस्लामाबाद ने एक्शन ऑर्डर किया, जिसमें पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े। हाँ जी, साद रफीक साहब के पैर पे दरवाजा लगा है जी, वो जख्मी हुए, नाखून जख्मी हो गया। और वो सबके सामने हुआ है, और ये ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ये तहरीक आदम-ए-एतमाद से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये तवज्जो नहीं, ये बौखलाहट है, बौखलाहट है, घबराए हुए इमरान खान की, उसकी बौखलाहट है। ख्वाजा साहब एक 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 मिनट आपसे चाहिए होगा। जो भी हमसे बन रहे हम कर रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे इधर से इनको। ये इमरान खान साहब के हुक्म पे आप देख रहे हैं, अपने कैमरे में भी दिखा सकते हैं कि जो पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है जी। और ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ मेम्बरान रहते हैं जी। और मेम्बरान के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इनका पूरी रिहाइश होती है नीचे, और कोई भी स्टाफ मेंबर जो मेंबर के साथ होता है वो रजिस्टर्ड होता है, उसके बगैर वो गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये तासुर देना कि यहाँ कोई ऐसी फोर्स बंद है, और दो कमरे होते हैं जी, और कोई फोर्स जिसके पास कोई डंडा हो, बंदूक हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिससे कोई तासुर हो, कोई हमला हो, यहाँ तो ऐसे लग रहा है किसी दहशतगर्द ने हमला कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।